हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेशन हीलिंग एंड रिपेयर के एमसीक्यूज। प्रीवियस वीडियो में हमने 30 तक एमसीक्यू डिस्कस किए थे, अब आगे के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। लेट अस स्टार्ट। 31 रिपेयर प्रोसेस इज एनहांस बाय ऑल एक्सेप्ट। रिपेयर प्रोसेस किससे एनहांस होती है, बट इसमें एक्सेप्ट है तो हमको ये देखना है कि रिपेयर प्रोसेस किससे इन्हांस नहीं होती। सो ऑप्शंस देखते हैं, पुअर ब्लड सप्लाई, इमोबिलाइजेशन, नॉन इन्फेक्टेड वुंड एंड मिडल एज। करेक्ट ऑप्शन इज पुअर ब्लड सप्लाई, बिकॉज इमोबिलाइजेशन, नॉन इन्फेक्टेड वुंड और मिडल एज की वजह से रिपेयर प्रोसेस जल्दी होती है। तो पुअर ब्लड सप्लाई ये एक रिस्क फैक्टर है रिपेयर प्रोसेस डिलेड होने की। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन द मूवमेंट ऑफ RBCs थ्रू द गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स इज टर्म एज। एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो मूवमेंट होता है RBCs का थ्रू गैप्स बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स, उसे क्या कहते हैं। सो ऑप्शंस, डायपेडेसिस, कीमोटैक्सिस, मार्जिनेशन एंड परमेंटिंग। करेक्ट ऑप्शन इज डायपेडेसिस। नेक्स्ट, 33 ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन एक्सेप्ट। ऑप्शंस आर किनिन सिस्टम, हिस्टामाइन, कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्लॉटिंग सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन इज हिस्टामाइन, बिकॉज हिस्टामाइन इज अ सेल डिराइव्ड मेडिएटर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट, 34 फोर कार्डिनल साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन वे आर गिवन बाय। फोर कार्डिनल साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन किसने दिया है। तो ऑप्शंस, विर्चो, सेल्सस, कोहेनम एंड मेटकॉफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेल्सस। नेक्स्ट, 35 द सेल्स दैट प्रीडोमिनेट्स ड्यूरिंग 1 to 12 आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ इन्फ्लामेशन। ऐसे कौन से सेल्स है जो इन्फ्लामेशन के ऑनसेट के 1 से 12 आवर्स तक प्रीडोमिनेंट रहते हैं। ऑप्शंस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स। सो करेक्ट ऑप्शंस आर न्यूट्रोफिल्स। 36 ऑल आर द फीचर्स ऑफ सेकेंडरी हीलिंग दैट डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम प्राइमरी हीलिंग एक्सेप्ट। ऑप्शंस, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज मोर इंटेंस सीन इन सर्जिकल इंसिजन, लार्जर ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड वुंड कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज सीन इन सर्जिकल इंसिजन। 37 एक्सुडेट हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट। एक्सुडेट के कौन से फीचर है, बट इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। सो ऑप्शंस, टर्बिडॉन ग्रॉस, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.018, लीस्ट प्रोटीन कंटेंट एंड इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इज द कॉज। करेक्ट ऑप्शन इज लीस्ट प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि लीस्ट प्रोटीन कंटेंट ये ट्रांसुडेट का कैरेक्टर है। नाउ 38 इन कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन पेन मीन्स। ऑप्शंस, रूबर, डैलर, कैलर एंड ट्यूमर। सो इन कार्डिनल प्रिंसिपल्स पेन मीन्स डॉलर। नेक्स्ट, 39 फ्लेयर इज द ब्राइट रेडिश अपियरेंस ड्यू टू। फ्लेयर इज अ ब्राइट रेडियस अपियरेंस किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस, वैसोडायलिटेशन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बोथ ए एंड बी एंड एपोप्टोसिस। करेक्ट ऑप्शन इज वैसोडायलिटेशन, वैसोडायलिटेशन की वजह से ब्राइट रेड अपीयरेंस आता है। नेक्स्ट, 40 हिस्टामिन इट इज स्टोर्ड इन द ग्रैनुल्स ऑफ। हिस्टामिन किसके ग्रैनुल्स में स्टोर्स रहता है। तो ऑप्शंस, मास्ट सेल्स, बैसोफिल्स, प्लेटलेट्स एंड ऑल ऑफ द अबाउ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज हिस्टामिन इज स्टोर्ड इन मास्ट सेल, बैसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स आल्सो। नेक्स्ट, 41 प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर्स आर एक्सेप्ट। मतलब प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमें डिटेक्ट करना है। ऑप्शंस, किनिन सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम, द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर्स नहीं है,
किनिन सिस्टम एंड क्लॉटिंग सिस्टम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आर इंक्लूडेड इन प्लाज्मा रिराइट सेल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज मस्कुलर सिस्टम. 42. द मेजर प्रो इन्फ्लामेटरी एक्शंस ऑफ दीज न्यूरोपेप्टाइड्स आर ऑल एक्सेप्ट. ऑप्शंस इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, ट्रांसमिशन ऑफ पेन स्टिमुलाई, मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. करेक्ट ऑप्शन इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. नेक्स्ट 43. प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 एक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स टू कॉजेस. जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं PGE2 वो ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके क्या कॉज करते हैं. तो ऑप्शंस वैसोडाइलेटेशन एंड ब्रोंकोडाइलेशन, ओनली ब्रोंकोडाइलेटेशन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकोडाइलेटेशन एंड ओनली वैसोडाइलेटेशन. तो करेक्ट ऑप्शन है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकोडाइलेटेशन. नेक्स्ट हीलिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, हीलिंग किसका एग्जाम्पल है. तो ऑप्शंस वेस्कुलराइजेशन, न्योवेस्कुलराइजेशन, एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन एंड एंडोथेलियल सेल रिट्रैक्शन. तो हीलिंग ये न्योवेस्कुलराइजेशन का एग्जाम्पल है. न्योवेस्कुलराइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट विच ऑफ इज द अर्लीएस्ट इवेंट दैट ऑकर्स इन द वेस्कुलर फ्लो ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फ्लामेशन. एक्यूट इन्फ्लामेशन में वेस्कुलर फ्लो का अर्लीएस्ट इवेंट कौन सा है. सो ऑप्शंस वैसोडाइलेटेशन, स्टेसिस, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. नेक्स्ट 46. ऑल द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ ब्रैडीकाइनिंग एक्सेप्ट. ब्रैडीकाइनिंग के कौन से इफेक्ट है बट इसमें एक्सेप्ट है तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा नहीं है. सो ऑप्शंस इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन, पेन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. नेक्स्ट 47. ऑल द फॉलोइंग आर मोनोन्यूक्लियर सेल एक्सेप्ट. मतलब सारे मोनोन्यूक्लियर सेल्स है पर जो एक नहीं है वो हमें डिटेक्ट करना है. ऑप्शंस माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज न्यूट्रोफिल्स बिकॉज माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स आर इंक्लूडेड इन मोनोन्यूक्लियर सेल. नेक्स्ट 48. द हिस्टोलॉजिकल हॉलमार्क्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन आर ऑल एक्सेप्ट. मतलब हमें ये देखना है कि हिस्टोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन इनमें से कौन सा नहीं है. ऑप्शंस मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, फाइब्रोसिस एंड न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट. तो करेक्ट ऑप्शन इज न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट बिकॉज मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन एंड फाइब्रोसिस आर इंक्लूडेड इन द हिस्टोलॉजिकल हॉलमार्क्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन बट न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेशन इट इज़ नॉट इंक्लूडेड. सो करेक्ट ऑप्शन इज न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेशन. नेक्स्ट 49. द इफिथिलॉइड सेल्स इन ग्रैनुलेशन आर मॉडिफाइड. जो ग्रैनुलेशन में इफिथिलॉइड सेल्स रहते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है. ऑप्शंस टी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस. करेक्ट ऑप्शन इज माइक्रोफेजेस बिकॉज माइक्रोफेजेस आर इफिथिलॉइड मॉडिफाइड इपिथिलॉइड सेल्स इन ग्रैनुलेशन. नेक्स्ट 50 नंबर. द इफिथिलॉइड सेल्स इज एडेप्टेड फॉर. जो इफिथिलॉइड सेल्स है उसमें एडेप्टेशन क्यों होता है. तो ऑप्शंस बेटर कीमोटैक्सिस, मोर फैगोसाइटोसिस, एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन एंड ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन. द इफिथिलॉइड सेल्स आर इज एडेप्टेड फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशंस. Thank you for watching the video.